dum da dum da dum 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 da dum da dum das ka dum dum da dum da dum 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 da dum da dum das ka dum season 3 dosto 4 June 2018 se shuruaat ho rahi hai iski Sony TV par जिसका एक स्पेशल फीचर सॉन्ग आ गया है जो कि देखने में बहुत अच्छा है। वेल, सॉन्ग देखने में तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ इसके लिरिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, जो कि इस गेम की थीम को हमें बताते हैं। बेसिकली आपको बताता हूं, इसके जो स्टार्टिंग में प्रोमोस निकले थे उसमें एक कैप्शन था कि जिसे जिंदगी सिखाए उसे कौन हराए। ठीक है, तो जिंदगी में जो जो आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिंदगी में जिस पड़ाव से आप गुजरे होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके भाई सलमान खान एक गेम शो लेकर आ रहे हैं दोस्तों। बेसिकली आप लोगों को उसी में इनविटेशन मिलेगा जहां पर आप भी खेल सकते हैं और जहां पर जो हमारे प्रतिभागी होंगे वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बताएंगे, उन्हीं के बेसिस पे वो क्वेश्चंस के आंसर देंगे। दस कदम के इस सॉन्ग को अगर मैं थीम सॉन्ग को लेकर बात करूं दोस्तों, तो बहुत ज्यादा पैपी नंबर है, बहुत अच्छा लग रहा है, कानों को सुनने में मजा आ रहा है। 2 मिनट का ये लंबा गाना है। आई डाउट कि जब हर दिन जब ये आएगा 4 जून से, तो ये शायद हर दिन नहीं इतना 2 मिनट का बजेगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन सॉन्ग की अगर मैं बात करूं तो सॉन्ग में पूरा परफेक्ट मसाला है, जहां पर सलमान खान को हम अलग अलग क्लोथिंग्स में देखते हैं दोस्तों, अलग अलग ड्रेस में देखते हैं, एक्शन मतलब डांस ऐसे ऐसे कर दस का दम करके हुए देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। और हमें जो अच्छा लगता है वो छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो कि लोग अपने शेयर कर रहे हैं। पूरी स्टोरी में अगर आपने देखा होगा उस सॉन्ग में प्रॉपर तरीके से पहले दिखाते हैं, एक लड़की होती है, वो एक पूरा चम्मच भर के खाने में नमक डाल रही होती है, तो फिर उसकी सासू माँ आती है, उसको समझाती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे यूं स्प्रिंकल करके डालो। फिर उसके बाद बच्चे देखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से तुक्का लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हम मैच का सीन देखते हैं। तो ओवर एंड ऑल जो लाइफ के हमें एक्सपीरियंस होते हैं, जो लाइफ की चीजें होती हैं, वो ही इस सॉन्ग के अंदर डाली गई हैं। और अगर इसके कॉन्सेप्ट को कोरियोग्राफ करने की बात करूं दोस्तों, मतलब जिसने सोचा ये कॉन्सेप्ट, तो वो है दंगल फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर नितेश तिवारी। नितेश तिवारी जी ने दोस्तों इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है डिजाइन किया है, और नितेश तिवारी जी ने ही ये इतना बढ़िया बेहतरीन सॉन्ग लाए हैं। वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, A1 है दोस्तों, और इसमें एक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, जो जो कास्टिंग बीच बीच में आ रही है, एंड सलमान खान वो तो छाए हुए हैं, उनको देख के तो अच्छा लग रहा है। वो कुछ ऐसे बोल रहे हैं, खड़ा है सलमान यहाँ पे लगा तू दम द दम द दम 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 द दम द दम दस का दम। बहुत ज्यादा सेक्सी गाना है दोस्तों, बहुत ज्यादा अच्छा गाना है, मैं इसे जल्द बार बार लूप में सुनने वाला हूं। क्यों? क्योंकि सुनने में अच्छा है, देखने में अच्छा है। आप भी देखिए ये सॉन्ग और आप अपना रिव्यू बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा ये सॉन्ग, आपको मजा आया ये सॉन्ग देखकर या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। एंड फिल्मी अपडेट्स के लिए वॉच चैनल फिल्मी यारा विथ मी राहुल भोज। दम 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 दम